एवरीवन, जेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं रीजनिंग के सेशन में आप लोगों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और आगामी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको हम आश्वासन दिलाते हैं। आगामी परीक्षाएँ हमारी RPF SI, RPF कॉन्स्टेबल, SSC GD, NTPC इत्यादि परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न पूछे हुए हैं, ये आप लोग विश्वास हम पर करिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर हमने देखा है उस प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो प्रीवियस करने के लिए आप लोग हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें पहला हो जाएगा। तो देख लेते हैं, कौन सी अक्षर समूह नीचे दिए गए संबंधों में सर्वोत्तम या पूर्ण ढंग, इसमें पूर्ण ढंग सही होगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको देखना है और बताना है। तो कौन सा अक्षर समूह नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम रूप से या सर्वोत्तम ढंग से संपूर्ण कर रहा है। तो जिस प्रकार भेड़ फ्लोक से संबंधित है, क्या है, भेड़ का फ्लोक से संबंध है, उसी प्रकार शेर का कॉन्स्पिरेंसी से, भेड़िए का पैक से, कछुए का झील से और खरगोश का बाले से है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर दो, कौन सा है, भेड़िया पैक या भेड़िए पैक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसमें ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर दो इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर हम अपना देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाएगा कौन सा। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा ये है, क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इस्माइल को हम 36,492 लिखते हैं, रन को 58 और तो हम 90,089 को हम क्या लिखें, नवासी को हम क्या लिखेंगे। तो ये आपको देखना है और बताना है। तो आप देखिए और बताइए कि 90,089 को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको देखकर बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो देखिए इसमें हम किस तरीके से ये लिखा गया है, इसको हम देखते हैं। देखिए जो अक्षर हमें ऊपर मिल रहे हैं, देखिए जो अंक हमें यहाँ हैं वही अंक इसमें हैं, वही अंक इसमें हैं, तो हम वही देख लेते हैं और इसी से हमारा कोड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नो कोड किसके लिए है, तो नो कोड यहाँ पर दूसरे नंबर पर है और इसमें दूसरे नंबर पर एल आता है, तो यहाँ पर पहला हमारा एल हो जाएगा। जीरो, जीरो कोड किसके लिए है, तो जीरो कोड आर के लिए है, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर डबल हमारा जीरो है, तो डबल हमारा यहाँ पर आर हो जाएगा। अगला कोड हमारा है आठ, तो आठ कहाँ पर आ रहा है, आठ देखिए यहाँ पर पाँच पीछे आ रहा है बिल्कुल, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, एन, तो यहाँ पर हम एन लिख लेंगे। और नौ का कोड हमने देखा था पहले, यहाँ पर ये एल लिखा हुआ, तो ये ई एल हो गया। तो यही कोड जहाँ पर इसमें है वहाँ पर देख लीजिए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, एल डबल आर एन एल, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक में ही हमारा ये मिल गया, ऑप्शन नंबर एक हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन है, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, निम्नलिखित प्रश्नों में क्या है, थोड़ा पॉइंट छोटा कर लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया गया है। तो ऐसा कौन सा है जो चैंपियन, क्या लिखा है, चैंपियन में से, इसी में से यहाँ पर ये बनाए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा होगा जो चैंपियन से ही बनाया गया होगा। तो चैंपियन, तो देखिए इसमें कहीं पर एल नहीं आया है और इसमें एल आया हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या लिखा है, कि उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए एल है और इसमें एल कहीं आया नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। अब देख लीजिए इसमें MAN, तो इसमें देखो MAN आया हुआ है, तो इसमें भी N है, तो इसमें ये बनाया जा सकता है। देखिए हैंड, इसमें H है, इसमें H कहीं नहीं है, तो नहीं बनाया जा सकता। इसमें P है, इसमें E है, इसमें I है, E नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जो है ये बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर तीन में हमारा ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर दो हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है,
तो इसको देख लेते हैं। एफ को चार, एफ चार, एच नौ, जे पंद्रह, एल पच्चीस, एन छत्तीस, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे ये आपको देखना है और बताना है। देखिए एफ लिखा है चार, तो चार इसमें क्या हुआ है, हमने दो का वर्ग कर दिया है, दो दूनी चार, यहाँ पर हमने तीन का वर्ग कर दिया है, तीन का वर्ग, तीन तय नौ, अब यहाँ पंद्रह है, तो पंद्रह क्या है, पंद्रह हमारा ये गलत हो जाएगा, कैसे, देखिए यहाँ पर पाँच का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर छः का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर चार का वर्ग होना चाहिए था, तो चार का वर्ग मतलब यहाँ पर सिक्सटीन होता, सोलह होता तो हमारा यहाँ पर सही था, जबकि यहाँ पर क्या है, जे पंद्रह है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो तीन है वो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, वैसे गलत है, ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको देखें और बनाएं, क्या है कितनी लाल कारें हैं, तो इसमें से देखना है कि आपके पास कितनी लाल कारें हैं, तो देखिए ये ब्लैक कार का है, काली कारें हैं, तो जो है ये सर्कल जो है ये काली कारों को दिखाता है, नीली कारों को कौन दिखाता है, नीली कारों को ट्रायंगल दिखाता है, और रेड का रेड जो लाल कारें हैं उनको क्या दिखाता है, उनको दिखाता है आयत, तो देखते हैं कितनी लाल कारें हैं, तो लाल कारें हमें देखना है कौन कौन सी लाल कारें हो जाएंगी, तो जो हमारा ये आयत जो है इस पूरे में जितनी होंगी वो सभी क्या होंगी, लाल कारें होंगी, तो देख लीजिए कौन कौन सी हैं, पाँच है, क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, पाँच है, क्या है, पाँच है, फिर है छः हैं, आठ है और चौदह है, तो ये चार जो हो जाती हैं ये हमारी क्या हैं, लाल कारें हैं, तो छः और पाँच ग्यारह, ग्यारह और आठ उन्नीस, उन्नीस और चौदह तैंतीस, तो टोटल हमारी यहाँ पर तैंतीस लाल कारें हो जाएंगी, कौन से हो जाएंगी, टोटल यहाँ पर हमारी तैंतीस लाल कारें हो जाएंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अब इसको हमें देखना है और बनाना है। देखिए कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सही क्रम से दर्शाता है और वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, तो ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही शब्दों को दर्शाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ही शब्द इसमें दर्श जाएं, उस प्रकार से आपको इसमें देखना है और बताना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर दीजिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर पाँच 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 है, तो इसको हमें पहले देखना ही नहीं है क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले पाँच या चार में से कोई एक आएगा, तो हमें ये तो देखना ही बिल्कुल नहीं है। देखिए तो कैसे इसको पहचानते हैं, देखिए यहाँ पर पाँच पाँच है, तो पहले पाँच और चार इनमें से हम देख लेते हैं, पहले इनको हम हटा देते हैं, पाँच और चार में से देख लेते हैं पहले कौन आएगा। देखिए यहाँ पर एम ए है, एम ए यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर के आया है, यहाँ पर एन आया है, तो सबसे पहले के आएगा, तो इसीलिए हमारा फाइव पहले आएगा और चार बाद में आएगा, तो इसमें हमारा क्या हो गया, तो हम ये जानते हैं कि हमारा पहले नंबर पर पाँच ही आएगा, तो हमें इसको पहले नंबर पर रख लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, देखिए सब में एम ए एम ए, सब में, क्योंकि देखिए सब में एम ए एम ए और एम ए कामन है, सब में क्या है एम ए और एम ए टोटल कामन है। अगला क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर के थी, तो पहला तो हमारा पाँचवा तो हमारा निकल गया, अब तो हमें चार तक देखना है, तो देखिए सब में एन एन और एन कामन है, तो इसमें हम अभी नहीं जान सकते कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ पर के हमें दिया है, यहाँ पर एन दिया हुआ है, यहाँ पर यू, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा के आएगा, क्योंकि के जो है के अलेवन मतलब के का ग्यारहवां नंबर होता है, एन का होता है चौदह और यू का होता है इक्कीस, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, तो सबसे पहले हमारा आएगा एक, तो पाँच के बाद जहाँ पर एक है सबसे पहले वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए एम एन, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर चौथा ए, तो यहाँ पर ए है तो सबसे पहले आएगा चौथा, तो पाँच के बाद दूसरा नंबर होगा चौथे का, तीसरा नंबर होगा पहले का, तीसरे नंबर होगा क्या इसका, तीसरा नंबर होगा पहले का, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर यू है, तो सबसे तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर हमारा दूसरा, चौथे नंबर पर दूसरा और पाँचवें नंबर पर ये, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक एक क्या है पाँच चार एक दो तीन, पाँच चार एक दो तीन, पाँच चार एक दो तीन, ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही इसमें सही हो जाएगा, चौवन एक सौ तेईस।
ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। संभवतः आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको वर्णमाला के हिसाब से ही ढूंढना है और बनाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आप लोग शेयर अवश्य करते रहिएगा भैया। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो इसमें 14 है, 21 है, 34 है, 47 है और 87 है। तो इसमें देखना है हमें ये किस तरीके से बनाया गया है। तो देखिए 14, तो 14 क्या करेंगे, 14 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, 14 × 28 क्या हो जाएगा, 14 × 28 और -7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा। अब देखिए 34 × 2 कितना हो जाएगा, 68 और 68 में से हम जब 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 68 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 61, कितना आएगा, 61 आ जाएगा। क्या 61 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 61 है हमारा पहला ही ऑप्शन है। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं, 47 × 2 क्या है, 47 × 2 और -7, तो 47 × 2 - 7 47 से गुणा करेंगे कितने से, 2 से, तो 47 × 2 कितना होता है, 7 × 2 = 14 8 × 2 = 16 तो 94, 94 में हम जब 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 87 बचेगा। तो ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। तो आप लोग चलते रहना साथ ही में भैया। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा, अब हमें इसमें देखना है कितने चतुर्भुज हैं। तो इस आकृति में कितने चतुर्भुज दिए गए हैं ये हमें देख के बताना है। तो चतुर्भुज हम कैसे देखते हैं ये आपको संभवतः पता ही होगा, नहीं पता है तो चलो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से देखे जाते हैं। देखिए 1, 2 और 1 पूरा मिला के, इसको और इसको ये मिला के 3, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, 3, ठीक है। जैसे इसमें 3 है उसी तरीके से इसमें भी हमारा 3 है, इसी तरीके से हमारा इसमें भी 3 है। तो देखिए 3, 3 हमारा कितने हो गए, ये 9 हो गए, 3 × 9 हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 9 हो गए, ये तो हमने देख लिया है 9 हमारे ये हो गए। फिर क्या करेंगे हम, फिर अगला हम देखते हैं कहाँ से कौन सा बनेगा, तो ये हम टोटल देखते रहते हैं, 9 हो गए। फिर देखिए फिर 9 × 1 = 10, 10 × 1 = 11, 11 × 1 = 12, 12 फिर 1 × 14, 14 × 1 = 15, 15 के बाद 1 पूरा ये 16, 16 फिर 1 × 17, 17 के बाद में 1 × 18, 18 के बाद में 1 × 19, 19 और 1 × बड़ा सबसे बड़ा वाला 1 × पूरा 20। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे यहाँ पर चतुर्भुजों की संख्या 20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी टोटल हमारे यहाँ पर चतुर्भुजों की संख्या, कितनी हो जाएगी, टोटल चतुर्भुजों की संख्या यहाँ पर हमारी 20 हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, हम दोबारा आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न ये है, तो आप लोगों को सबसे समस्या इसी प्रश्न में आती होगी संभवतः हमारे समझ से, तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से करते हैं। a = b, a = b तो हमें चलना है a को ढूंढना है, a = b, तो a बराबर b कहाँ पर है, तो देखते हैं a = b हमें ये ढूंढना है कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ से जो है ये हमारा a है, अब हम b पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर रास्ता बंद है, हम b से a पर जा सकते हैं, b से हम a पर जा सकते हैं पर a से b पर नहीं जा सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या है x × y, तो देखिए x से हम y पर जा सकते हैं, y से हम x पर जा सकते हैं, x से y पर नहीं जा सकते, तो देखिए y = b सही है, b से हम a पर जाएंगे, अब a से x पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये भी हमारा गलत हो गया, y × z, तो y से हम अब x पर जाना हमें है, तो देखिए z कहाँ है, z से हमें कहाँ जाना है, y पर जाना है, तो यहाँ से देखिए हम x पर जाएंगे और x पर जाएंगे और x से हम कहाँ जाएंगे, देखिए z से हम y की तरफ हमें जाना है, z से y की तरफ हमें जाना है, तो देखते हैं किस तरीके से पहुंचेंगे। जड़ से हमें y की तरफ जाना है, देखिए जड़ ये है, जड़ से हम x पर जाएंगे, पहले x ये यहाँ है,
एक्स से हम ए पर जाएंगे, ए पर हो गए, अब ए यहाँ हम आ गए, यहाँ से हमें जाना है बाई की तरफ, तो बाई की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमारा तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तीनों फॉलो नहीं करते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तीनों फॉलो नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें है नहीं, तो इसमें से हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पिता की माता के भाई का पुत्र है, वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आपको बताना है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, एक किसका परिचय देती है, एक महिला एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहती है, क्या कहती है, एक व्यक्ति का परिचय, एक व्यक्ति जो है क्या है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला क्या कहती है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, एक महिला एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहती है कि वह मेरे पिता मतलब महिला जो है, ये महिला कहती है वह मेरे पिता की माता के भाई का पुत्र, माता के भाई का पुत्र, तो का पुत्र हो जाएगा, तो ये का पुत्र मतलब इन माता के भाई का पुत्र है, उस व्यक्ति का उस महिला से किस प्रकार संबंध है, तो वह मेरे पिता का, तो ये इससे किस प्रकार संबंधित है, ये आपको इसमें देख के बताना है। तो सरल है, आप बता सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चाचा, ठीक है, क्या हो जाएगा, चाचा हमारा ऑप्शन नंबर सही इसमें हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें देखना है, एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, चार के विपरीत फलक वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो चार के विपरीत वाली संख्या इसमें ज्ञात करनी है आपको, तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो चार के विपरीत फलक वाली संख्या हमें ढूंढनी है, तो देखिए चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, तो इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं, तो चलो हम लेते हैं इनको और इनको। देखिए चार से हम चलेंगे घड़ी की सुई दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, क्या मतलब क्लॉक वाइज, ठीक है, तो देखिए पहले लिखते हैं 4, 6, 1, फिर इसमें चलते हैं इधर से इधर को, ठीक है, घड़ी की दिशा में ही चलेंगे, तो यहाँ पर भी 4, 3, क्या है 3, और फिर यहाँ पर 6। अब देखिए इसमें से हमारे पास कौन सा अंक नहीं है, तो देखिए एक भी हमारे पास है, 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और फिर 4 भी है, तो हमारे पास है क्या नहीं, तो हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास 5 नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 5, क्या कॉमन फेस इनटू बिहाइंड फेस, तो जो भी इन संख्याओं के पास नहीं है उसी फेस को हम लेते हैं, तो ठीक है, तो इसके हमेशा अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा, तो इसमें हमारा कॉमन फेस क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत में हमेशा 5 ही रहेगा इस पासे में सिर्फ। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न ये है, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो इसमें से हमारा देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं क्या करते हैं, हम पहले इसको बना लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, क्या है, सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, सभी क्या है, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, सभी सॉरी 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 सभी चमगादड़ क्या है, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, कुछ चूहे पक्षी हैं, तो अब देखना हमें इसमें है, पहला ऑप्शन क्या है, कुछ चूहे पक्षी हैं, तो बिल्कुल सही है, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं,
तो ये भी हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि देखिए कुछ चमगादड़ में आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, सभी चूहे चमगादड़ हैं, तो देखिए कुछ चूहे जो हैं वो चमगादड़ हैं, पर सभी चूहे चमगादड़ नहीं हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा फॉलो हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों फॉलो करते हैं और तीसरा गलत है, तो हम ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों को बनाना है, तो आप देखिए और बनाइए। निम्नलिखित संख्या कौन सी दी गई है जो श्रेणी प्रश्न चिन्ह को यहाँ पर पूरा करती है, तो इसमें हम आपको पूरा करना है। तो देखिए इसका हम सब लोग अंतर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 648 में से 448 जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास अंतर बचेगा 200 का, 200 बचेगा। अब इसमें हम 448 में 294 घटाएंगे, तो 154 कितना बचेगा, 154 बचेगा। 294 से 180 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 114 कितना बचेगा, 114 बच जाएगा। और 180 से जब हम 100 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब देखिए फिर इनका अंतर निकाल लेते हैं, 200 में से 154 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अंतर आएगा कितने का, अंतर आएगा 46 का, ठीक है, 46 ठीक है, 46 का आएगा। फिर है 154 से 117 घटाएंगे तो हमारे पास अंतर इसका कितना आएगा, 114 से हम जब 154 से 114 घटाएंगे तो हमारे पास कितना अंतर आएगा, 40 का। 114 से 80 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 34 आएगा। तो हम देख सकते हैं कितने कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना अंतर हो गया, यहाँ पर -6 का अंतर हो गया और यहाँ भी -6 का अंतर हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे भी -6 का अंतर कर देंगे। तो 34 से हम जब 6 घटाएंगे क्या करेंगे, 34 से जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हमारा आएगा, 34 से जब हमारा 6 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 28, क्या आएगा, 28 आएगा, ओके, क्या आएगा, 28 आएगा। अब 28 हम जब 80 में माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 28 जब हम 80 में माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो 28 हम जब 80 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2, कितना आएगा, 2। 28 जब हम 80 से माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 7, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, 6 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 4, 28 ठीक है, सॉरी एक बार देख लेते हैं दोबारा हैं। देखिए हमें 28 घटाना है 80 में से, तो यहाँ पर 2 बचेगा और फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर बचा हमारे पास 7, 7 से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचा 5, 52 क्या आएगा, 52। अब 52 को जब हम 100 से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 48, कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा, 48। 52 से जब हम क्या घटाएंगे, 52 से जब हम घटाएंगे, 100 में से जब हम 52 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये उत्तर आएगा, क्या, ऑप्शन नंबर बी, 48। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से भी निर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। अगर आप लोगों को सेशन ये हमारा पसंद आता है तो आप लोग नित प्रतिदिन हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ सकते हैं और आप लोगों को हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।